जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैनकोट ECI T10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला FRA बनाम ITA के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूं दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो FRA से जैन अहमद, HA जैक्सन, मोहतार गुलमी, उस्मान रियाज खान, ए जबर खेल, नोमन अमजाद, एस वरणकुल सूर्या, एल कैंसिन, पी प्रभाकरन, एम दाबूद, राहुल्ला मंगल। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि FRA की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ITA की प्लेइंग 11 की। जैन नकवी, SLW निमेज, जैन अग वनटोला परेरा, वलजीत सिंह, सिमरनजीत सिंह, आसिम अली, मोनू लाल, जगमीत सिंह, एस सिंह एंड दामित कोसा। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि ITA की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ NU एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों ये मुकाबला 7 मई संडे को दोपहर 3 बजे से ये मुकाबला मिलान क्रिकेट ग्राउंड मिलान में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच फायदेमंद रहने वाली है, हालांकि दोस्तों बॉलर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा फ्रेंड्स। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया वो 20 मैचों में 78 रन रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों ITA जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों ITA टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ तो दोस्तों उस्मान रियाज एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड महमूद दाऊद को दोस्तों एज ए कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैनकोट पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ तो पहले स्थान पर ITA एंड तीसरे स्थान पर FRA है फ्रेंड्स। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बने फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। विकेट कीपर में दोनों सही है, आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेसर्स का इस पिच पर ज़रूर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ विनिंग प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों ITA ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए FRA टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप ITA के अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि FRA के हैं, मुख्तार गुलामी, उस्मान रियाज खान, ए जबर खेल, नोमन अमजाद, रघुमल्ला मंगल। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि FRA के मुख्य खिलाड़ी हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि दोस्तों ITA के हैं, जैन अली, वेंटोटा परेरा, सिमरनजीत सिंह, जगमीत सिंह, एस सिंह एंड दामित कोसाला। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि ITA के मुख्य खिलाड़ी हैं, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक FRA की तरफ से रहे हैं, जैन अहमद, HA जैक्सन, मुख्तार गुलामी, उस्मान रियाज खान, नोमन अमजाद। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि FRA के बेस्ट परफॉर्मर हैं, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट परफॉर्मर जो कि ITA की तरफ से हैं, जैन नकवी, SW निमेश, जैन अली, वेंटोटा परेरा, वलजीत सिंह। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि ITA के बेस्ट परफॉर्मर हैं, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर तय कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों उस्मान रियाज खान को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। जैन अली को एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे ये। वेंटोटा परेरा एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। जगमीत सिंह एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एंड दामित कोसाला दोस्तों एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आप इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूँ दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम पर एक सलाह आता रहूँगा।
तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली प्रोडक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।